नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो मेरा नाम है पार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं पार्थ शर्मा फिट। सो आज हम देख सकते हैं, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं किसके ऊपर, आपको पता है ये टाइटल नीचे आ गया होगा। तो टाइटल आपने देख लिया होगा कि हम बना रहे हैं वार्म अप के ऊपर, कि वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है आपको। सो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सो पहले हम करेंगे जंपिंग। जंपिंग 1 मिनट तक कर सकते हैं या फिर 30 सेकंड करना है आपको जंपिंग। जैसे आप देख पा रहे हैं जंपिंग करेंगे हम। इसके लिए आप कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल आप जंपिंग करें या ऐसे खड़े होकर कर सकते हैं या हाथ को हल्का सा ऊपर करके भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो नॉर्मल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरे के लिए हम जंपिंग जैक करेंगे। उसको हाथ को ऐसे फुलाना है और पैर को भी हम बाहर ले जाएंगे, ऐसे बाहर लेके जाएंगे, ऐसे ही बाहर लेके जाना है। फिर आपको जंप करते हुए अंदर को आना है, ये हमें करना है। सो चलिए करते हैं इसको 30 सेकंड या 1 मिनट तक कर सकते हैं। चलो बिगिन आया वो 30 सेकंड करें। 30 सेकंड अभी जैसे हम कर रहे हैं, या आप पूरा हाथ भी आप पूरा ऊपर ला सकते हैं, लाना चाहे तो। अगर एडवांस है तो पूरा हाथ ऊपर लेके आए, ऐसा आप कर सकते हैं। पूरा सब देख रहे हैं, पूरा आपको हाथ ताकि आप क्लैप करें, ठीक है। ये हमें करना है 30 सेकंड। बिगनर है तो, अगर एडवांस है तो 1 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, वो लोअर एब्स के लिए। उसके लिए भी आप कर सकते हैं, सीधा आपको हाथ ऐसे रखना है और इसको ऊपर लेके आना है ऐसे। जो बिगनर है वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे करें। जो धीरे धीरे एडवांस हो चुके हैं, इंटरमीडिएट हो चुके हैं, जो 1-2-3 साल 4-5 साल हो चुके हैं, वो पूरा ऐसे करें। ठीक है, ये होगी। इसके भी आपको कम से कम आपको 30 सेकंड तक करना है, या आप 10-20 सेकंड भी कर सकते हैं इसे। और आपकी स्ट्रेचिंग के लिए हाथ को सीधा रखना है और ताड़ासन करना है आपको। ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपकी पूरी ओवरऑल के लिए। कई लोग खाली दिखाने के लिए, खाली जिसकी एक्सरसाइज कर रहे उसी की करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो चेस्ट की खाली वार्म अप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल करना चाहिए। जब आप चेस्ट करते हो तो आपका थोड़ा बहुत बाइसेप भी आपका वर्क होता है उसमें, और आपका थोड़ा कहता है ऐसा भी आपका उसमें वर्क होता है थोड़ा बहुत, शोल्डर भी इसमें इन्वॉल्व होता। तो ओवरऑल आप करिएगा, एक से नहीं करिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा अच्छे से वार्म अप करिए, तभी आपकी वर्कआउट में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा करने में। ये देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। ताड़ासन में आपको बताया था, ताड़ासन कर सकते हैं, उसमें अलग अलग वेरिएशन, इससे आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, खुल जाएगी आपकी बॉडी, तैयार हो जाएगी आपकी बॉडी करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाएगी। और चेस्ट के लिए हम कर रहे हैं, ये देख सकते चेस्ट के लिए, ये आप कर सकते हैं। चेस्ट के लिए, बैक के लिए भी है, जैसे साइड में हम बैक के लिए करेंगे, देख सकते हैं बैक के लिए वार्म अप कर रहे हैं। सो अब हम लेग्स के लिए आते हैं। लेग्स के लिए आपको यूँ करना है और यूँ यूँ, ये भी आप 10-20 सेकंड कर सकते हैं अच्छे से करिए, ठीक है। ये हो गया फिर लेग्स के लिए, ये इसको पैक अप करके पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अब हम करेंगे यहाँ पे लेट कर भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, एब्स के लिए होगी, सबके लिए होगी। पहले हम लेग्स के लिए करते हैं। लेग्स के लिए आपको वार्म अप करना है अच्छे से, वार्म अप करेंगे ना। अगर वो टाइम हो आपके पास 5-10 से 15 मिनट हो तो आराम से वार्म अप करिए, फिर आपकी जो वर्कअप करने की होती है ना, जो क्षमता ही कहते हैं, जो वार्म करने की इंटेंसिटी, वो बढ़ जाएगी आपकी, और आप आराम से बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, आपको इंजरी बिल्कुल नहीं होगी,
सो जैसे कि मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा दोनों पैर ऐसे पूरा दबा दे पूरा। ये कर सकते हैं, ये पूरा आपको ये होगा और लेट कर हाथ को ऐसे पीछे करें और यूँ। ये आपकी हिप्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, ये हिप्स के लिए आई बहुत अच्छी एक्सरसाइज, ये वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वार्म अप करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, ये एक से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो, दोनों से भी आप कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा ऐप्स के लिए, ऐप्स के लिए आपको बताता हूँ मैं वार्म अप। ये भी एक वार्म अप तरह ही है, इसमें बैठे भी एक कैट की तरह, जैसे बिल्ली होती है ना उसी की तरह आपको बैठना है और हल्का सा उसको ऊपर होना। ये पूरा आपका ऐप्स आपकी पूरे नीचे से पूरा आपका स्ट्रेच होगा, नीचे करेंगे ये पूरा नीचे से ऊपर यूँ, तो नीचे तो यूँ, ये पूरा हो जाएगा आपका ऐप्स के लिए। और ये भी आप कर सकते हैं ये करके एकदम यूँ एकदम ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा आपका स्ट्रेच हो जाएगा, देखा है पूरा आपका स्ट्रेच हो जाएगा, ये करके पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, बैक भी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, हर चीज़ स्ट्रेच हो जाएगी, ये भी आपकी पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेच होगी, ठीक है। और आप हल्का फुल्का आप ये भी कर सकते हैं ऐप्स के लिए, लेट के कैसे यू करके कैसे यू, ये भी आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन ये भी एक वार्म अप की तरह ही है। मैं इसको करता हूँ मैं सो तभी मेरा जो ऐप्स का जो मेरा लव हैंडल है वो अच्छा हुआ है, तभी मेरा वैसे तो नेचुरली है मेरा वार्म ये ओ लव हैंडल मेरा नेचुरली है, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ये करके आप इसकी तरह रिलैक्स कर सकते करें, फिर आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है। सो गाइस ये थी एक्सरसाइज जो वार्म अप कर सकते हैं वर्कआउट से पहले। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे सीधा ही आप अगर आप स्क्वाट्स करने लग जाएंगे या आप बाइसेप की वर्कआउट करने लग जाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा, आपका इंजरी होने की बहुत चांसेस रहेंगे, आपको उसको खटखटाना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मैं कुछ हैवी उठाने जा रहा हूँ, जिम में भी आप कहीं पर भी आप करें, ठीक है। और हाँ लेग्स के लिए मैंने आपको एक चीज़ हैगी थी लेग्स के लिए, वो थी स्क्वाट, स्क्वाट भी करना बहुत जरूरी है, हल्का फुल्का आप स्क्वाट मार सकते हैं, ये भी करें आप, ये एक चीज़ रहेगी थी ये, तो ये भी आप कर सकते हैं स्क्वाट, सिंपल स्क्वाट मारें, ठीक है, ये आपकी लेग्स के लिए हो जाएगी, ठीक है, लेग्स के लिए हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी लेग्स, या आप वन हैंड ये भी कर सकते हैं इस करके खड़े हो जाएं, या आप धीरे धीरे आप इस पर देते आगे आ सकते हैं, ये भी आपकी लेग्स के लिए एक वार्म अप की तरह ही है। मैं इसको करता हूँ, मैं कभी कभार आपको दिखाया नहीं होगा लेकिन मैं इसको भी करता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट करके आप बताते नहीं हो, आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नीचे लाल कटन का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ पहले आइकन जरूर दबाइएगा, पहले आइकन दबाने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे उसमें सबसे ऊपर होगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबा दीजिएगा, और बस यही कहना चाहूँगा। और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर दीजिएगा, आ जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्टे फिट स्टे ऑसम, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, जय हिंद जय भारत।